फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में यहाँ पे दिवाली स्पेशल एक मेकअप क्रिएट करूँगी और बहुत इजी वे में। और मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी, या फिर आप अगर लेना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर एक कप से बहुत अच्छी सी एक क्या बोलते हैं जेल लाइनर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी वे में वो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, देख सकते हैं आप कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। तो अभी देखते हैं कि हमें मेकअप कैसे करना है। तो आज मैं ब्लू और गोल्डन और पिंक कलर की पटियाला पहनूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेकअप करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेकअप अपना हम। तो मैं यहाँ पर ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये जॉय का है स्क्रीन फूड, और ये मुझे ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 275 का आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये रेट शो हो रहा होगा आपको। तो ये ना अगर आपकी नई नई शादी होने वाली है, मतलब अभी शादी होने वाली है या फिर आप इंगेजमेंट होने वाली है, तो आप ये मॉइस्चराइज़र रात में अच्छे से लगा करके अपने फेस पर आप सोगे ना, तो आपका फेस वैसे ही इतना अच्छा ग्लो करेगा कि आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा और ड्राइनेस नहीं रहेगी। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो देख सकते हैं कि मुझे ये इतना पसंद है कि मैं ये 4-5 डब्बे एक बार में ही ले आई हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करिएगा। जॉय का है ये। अच्छे से इसको लगा लीजिए। मैंने बोला था ना कि मैं अपने फेस पे कुछ यूज़ कर रही हूँ, तो मैं पहले वो यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ, उसके बाद से मैं अपना टोनर यूज़ करती हूँ। टोनर के बाद से जो मैं DIY खुद से मैंने जो टोनर बनाया है वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं ये अपना मॉइस्चराइज़र अच्छे से फेस पर लगा करके रात में फिर सो जाती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन आपसे शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो हम ज़रूर आपकी इस पे वीडियो बनाएंगे। तब देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया अपने फेस को। अब मैं यहाँ पर ये एले गर्ल का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये अच्छा है काफ़ी। और आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इसकी जगह पर, प्राइमर की जगह पर आप, मैं तो अभी आपको ये दिखा रही हूँ कि हाँ मेकअप में आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, बट अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप यहाँ पे वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वैसलीन को प्राइमर के जैसे कैसे यूज़ करना है वो उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और मैं यहाँ पर ये एडिडास का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर मेरे पास और भी हैं बट मैं आपको कम बजट में ये यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो आप कंसीलर ये आँखों के नीचे हम लगाएंगे, देख सकते हैं कि देखिए कि इतना अच्छा से रफली यूज़ हो जाता है इस पर, और हमारा वैसलीन भी ऐसे यूज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अब ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो कंसीलर का पूरे फेस पे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप यहाँ पे नेक पे भी यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा कंसीलर ही यूज़ कर लीजिए आप उसके बाद से। जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं यहाँ पर ये फाउंडेशन एले गर्ल का यूज़ कर रही हूँ। एले गर्ल का HD फाउंडेशन है ये, और एले गर्ल का है ये। ये देखिए मैंने इतना सा अमाउंट लिया है, और इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ।
बहुत से लोग होते हैं पहले फाउंडेशन कंसीलर पहले आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, बट हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, वो लोग जितना मेकअप लाइट होता है, जितना मेकअप इजी होता है, उस तरह से नहीं दिखाते लोगों को, ऐसे दिखाते हैं कि लोग डर जाए करने से पहले। देख सकते हैं मेरा ये यहाँ पर बेस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको अच्छे से लॉक करने के लिए यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर ये कलर सेंस का लूज़ पाउडर आता है, कुछ इसकी पैकेजिंग ऐसी होती है, इसके साथ में ये ब्रश देते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर सेंस का HD हाई डेफिनेशन पाउडर है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और आप इसको ऐसे भी, इसके साथ में ये पॉइंट्स अंदर होते हैं तो आप इसको इसमें ले लीजिए अपने, जैसे आपको यूज़ करना है इसको, और हल्का हल्का डैप करके आप इसे, मैं इतना मेकअप ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो बात अलग होती है, क्योंकि वहाँ लाइट्स कम होती है, जब हम बाहर जाते हैं धूप वगैरह में, और जब नेचुरल जो रोशनी होती है, जो नेचुरल लाइट्स होती है वो पड़ती है ना, तो बहुत गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है कि इतना सारा थोपा हुआ है। तो वैसा मेकअप बिल्कुल भी ना करें कि लोग देखकर आपको हंसे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोले, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप हमेशा कोई भी मेकअप करिए तो लाइट मेकअप करिए, कि ऐसा ना लगे कि हाँ इतना सारा मेकअप करा हुआ है, कि नेचुरल ब्यूटी भी कुछ होती है हमारी। तो मैंने इसको ब्लॉक कर लिया है, और मैं ये सिवाना का पायलट यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी मैं, बिकॉज मुझे कॉन्टोरिंग इतनी पसंद नहीं है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि मुझे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कम से कम 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कि हमारी फेस की जो शेप होती है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर मैं केवल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये जो कलर है ये आपका सिवाना का पैलेट है, और इसमें आपको 8 कलर मिल जाते हैं, बहुत अच्छा है ये और बहुत ही लाइट है। और मैं यहाँ पर ये दूसरा कलर हाइलाइटर ले रही हूँ, जिससे मैं अपनी नोज़ को हाइलाइट करूँगी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ उसका, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये डन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी लिप कलर, मैं ये यहाँ पर ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ मरून कलर का, अपनी लिप को शेप देने के लिए। देख सकते हैं मैंने ये जो लिप लाइनर है मैंने अंदर इसलिए फिल नहीं किया है, क्योंकि मुझे अंदर फिल नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसका कलर उभार के लाना है। मैं यहाँ पे ये रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, सो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक अपनी लगा ली है।
ये मैट लिपस्टिक है। अब मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी बिकॉज मेकअप की वजह से जो हमारा बेस होता है उसकी वजह से जो हमारा मेकअप होता है ना तो हमारा हमारी जो आईब्रो होती है वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अब हम आई मेकअप करेंगे तो मैं यहाँ पर ये पिंक कलर ले रही हूँ, देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं ये आई शेडो पैलेट इतना अच्छा है कि मतलब ये निकलता नहीं है, फॉल आउट नहीं होता है मेरी आंखों के नीचे से, देख रहे बिल्कुल आप अच्छे से ये लग जाता है। और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। और मैं यहाँ पर ये हल्का सा ब्लू कलर ले रही हूँ, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ से ये ब्लू कलर लिया है। और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी हल्का सा। अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए कि हमारा ये जो पिंक कलर है वो बिल्कुल लाइट लाइट सा शो हो। और ऐसे ये होता है कि कभी कभी हमारी आई के नीचे फैल जाता है ये, तो उसमें इतनी घबराने की बात नहीं है। आप मैं थोड़ा सा अगेन पिंक कलर ले रही हूँ और मैं यहाँ पे ये पुट कर रही हूँ फिर से, कलर थोड़ा सा जो दब गया था ब्लू की वजह से वो फिर से उभर के आ जाए, देख सकते हैं आप फिर से। और मैं यहाँ पर ये हल्का सा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर का, मैं इसमें से हाइलाइटर ले रही हूँ यहाँ पे। अब हम यूज़ करेंगे लाइनर। लाइनर को कैसे यूज़ करना है, आपको मोटा लगाना है पतला लगाना है आप
आपको जैसे लगाना है वैसा लगा सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं लाइनर को कैसे लगाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा लाइनर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी मोटा कर दूँगी। और आप आँखों को थोड़ी सी बड़ी दिखाना चाहते हैं, वैसे तो मेरी आँखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिख रही हैं, तो आप इसके अंदर ये वाइट कलर का काजल फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स आई लैसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अब यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपना। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो आई मेकअप है ये डन हो चुकी है। अब मैं आपके सामने ड्रेस पहन करके आती हूँ अपनी, देखते हैं कैसी लगेगी वो ड्रेस मेरे ऊपर। आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप देख सकते हैं मेरा मेकअप और ये मैंने जो सूट पहना हुआ है, मैंने हेयर के साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस ये जो मैंने कर्ल किए हैं मैंने ये भी स्पून से करे हैं अपने ये कर्ल। आप देख सकते हैं ये वाला कितना प्यारा सा लग रहा है ये। और ये मेरा मेकअप अगर आपको हमारा ये मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जिनको और भी मेकअप देखने हैं तो वो कमेंट करेगा।
मुझे, और मैं केवल दो चीज़ों से बेस बताऊंगी, और आप एक चीज़ से भी बेस बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फेस पे 10 चीज़ें लगाएं जब ही जाके हमारा मेकअप बहुत अच्छा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो आई लेसेस हैं, मैंने यहाँ पर कोई फॉल्स लेसेस नहीं यूज़ करी है, और इनकी भी ग्रोथ के लिए मैं बहुत अच्छा आपको बताऊँगी कि आप अपनी आई लेसेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, आईब्रो को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।